तो अभी हमारा चेकआउट टाइम है, देखो इधर लगेज मैंने बाहर रख दिया है और बस मामा जी और मामी निकलेंगे तो एक साथ चलेंगे। इस जगह को मिस करेंगे सीरियसली, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी बहुत दूर आना पड़ा चल के, इधर देखो गाड़ी यहाँ पर पार्क किया है, बहुत दूर चलना पड़ता है। तो चल के आए अभी, अभी सब कुछ ऊपर पैक हो चुका है, सब लोग अंदर बैठ भी गए, मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा साइड में। ये वन वे है ना इसलिए प्रॉब्लम है, थोड़ा साइड कर दीजिए, इधर कर दीजिए। अभी बैठ जाऊंगा। हम लोग तो शिमला से निकले थे, सोचे थे नालदेहरा जाएंगे, तो नालदेहरा भी आए लेकिन आके पता चला कि यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स है और जो जो पॉइंट है ना वहाँ पे घोड़े से जाना पड़ेगा आपको। तो घोड़े से जाना पड़ेगा तो मतलब बहुत दूर है, 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 500 पर पर्सन है। और अभी तो हम लोग आए लगभग अभी 1:30 बज रहे हैं, तेज़ धूप है अभी, तो अभी किसी का मन नहीं है, मम्मी मामी मामा सबका ही मतलब सब लोग टायर्ड है बहुत। तो अभी हम लोग सोचे नहीं जाएंगे, आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं अभी। यहाँ पे कुफरी है लेकिन कुफरी नहीं गए हम लोग, तो सोचे थे नालदेहरा में घूमेंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही है, घोड़े से जाना पड़ेगा। शिमला से तो हम लोग तभी निकल गए थे, अभी बज रहे हैं 7, देखो अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी भी अंधेरा नहीं है। हमारे यहाँ तो 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, 6 या 5 बजे। हाँ, सोचे कि थोड़ा फ्रेश हो जाता है और कुछ खा पी लेते हैं, शाम हो चुकी है, भूख भी लगी है और ड्राइवर भैया भी बोल रहे हैं उनको भी थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए। तो अभी यहाँ पे ढाबे पे रुके हैं, यहाँ पे देखते हैं लस्सी पियेंगे। आ गया हमारा लस्सी, और चाहिए मम्मी लो ले लो, ले जाए कोई भी, एक ले जा मामा जी का पी के देख कैसा है, कैसा हुआ नॉर्मल, तो क्या सोचा था क्या होगा, लस्सी पी रहा है बोल रहा है क्या। हाँ ये जबरदस्त है, और हमने पराठा ऑर्डर किया था और वीडियो बनाना भूल गया, आधा खा लिया, इसने तो पूरा ही खा लिया। मम्मी का खा रहा, अभी याद आया है, सभी ने खा भी लिया, अचानक से मम्मी बोल रही है पराठा का वीडियो बना। ये है पराठा, गोभी पराठा, बहुत ही टेस्टी, लस्सी भी टेस्टी, पराठा। तो हमारा खाना तो अभी कंप्लीट है, एक्चुअली सब लोग फ्रेश होने गए थे तो मैं सोचा थोड़ा यहाँ पे बैठता हूँ। अभी फिर से रोड जर्नी है, ओवरनाइट जर्नी है, कल सुबह पहुँचेंगे आगरा। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग जाने वाले थे कहीं और, आगे कहीं और, एक्चुअली रास्ते में ड्राइवर भैया के साथ मम्मी की कुछ बात हुई थी और हम अभी आए हैं वृंदावन। तो मतलब अचानक से जा रहे थे आगरा, मम्मी के साथ ड्राइवर भैया की बात होने के बाद मम्मी बोल रही है ठीक है रास्ते ही पड़ता है वृंदावन तो यहाँ से ही घूम के जाता है। तो अभी यहाँ पे आए सुबह सुबह हम लोग, 6 बजे के आसपास आए थे, तो यहाँ पे हमने तो रुकना नहीं है, तो एक होटल रूम हमें मिल गई है 1000 रुपये में, मतलब फ्रेश होने के लिए हम सभी के लिए AC रूम है मिल गई है। यहाँ पे हमें एक रूम मिला है, देखो इधर लिखा हुआ है श्री राम हनुमान आश्रम, तो यहाँ पे हमें एक रूम मिल गया है। हम सभी निकल रहे हैं, अभी पूरा एरिया वृंदावन है लेकिन जो मेन टेम्पल है अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, पास ही में है, तो चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं वृंदावन। तो ऑटो से आए थे, ऑटो हमें थोड़ा दूर उतर दिया, बोल रहे कि 5 मिनट का रास्ता है सीधा चलते जाओ, तो हम भी चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद ले लिए और इधर देखो भीड़, जबरदस्त भीड़ है भाई यहाँ पे, तो मतलब क्या ही बोलूँ। चलो चलो चलो, इधर से भी चलेंगे हम लोग, इधर से दर्शन करेंगे। हम लोग अभी निकले हैं बांके बिहारी लाल मंदिर में, इतना ज़्यादा भीड़ था क्या ही बोले, तो किसी भी तरह दर्शन करके आए और अभी निकले हैं। यहाँ पे मम्मी बोल रही है फ्रेम किया हुआ एक फ़ोटो लेंगे,
देखते हैं जो अच्छा लगता है वही लेंगे। वृंदावन में अभी हम लोग बस बाके बिहारी लाल मंदिर ही देखे और कुछ नहीं देखे, तो यही देख के अभी हम लोग चलेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर भी दर्शन हो गया यही काफ़ी है और अभी चलते हैं सब। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं वृंदावन से। तो अभी हम जा रहे हैं आगरा, गाड़ी में है। बाहर तो इतनी गर्मी है ना कि आई बोलूँ, मतलब जबरदस्त गर्मी है। अभी लगभग कितना है, 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री है, 42 हो गया क्या? वहाँ से जब निकले थे तब 40 डिग्री था, अभी 42 हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या ये चॉकलेट बॉल का कलर? क्या चॉकलेट बॉल? लगभग 1 बज रहे और हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे होटल में आगरा में, और ताजमहल के पास मतलब 3.5 किलोमीटर के अंदर ही है शायद ये, मतलब जो मैप में दिखा रहा था। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको रूम, ये मेरा रूम है। तो ये है हमारा रूम, इधर देखो बहुत ही खूबसूरत रूम है, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। और ये रूम ना हमें 1500 समथिंग, मतलब दो रूम हमें लगा है 3115 रुपये दो रूम का। इधर से ना आप यहाँ पे एक उनका प्लेग्राउंड भी है, वो भी अभी देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेग्राउंड है। आगरा में ना इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, मैं गाड़ी से निकल के ना मतलब पागल ही हो रहा था, जल्दी से होटल के अंदर आया। तो अभी तो फ्रेश होना है, फ्रेश होके थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे। हम सभी के लिए हमने ऑर्डर कर दिया था, एक्चुअली बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है दोपहर को, बाहर तो वैसे भी गर्मी है, तो सब लोग बोल रहे हैं यहीं भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो अभी हम सभी लोग रेडी है, रेडी हो जाएगा सब लोग, चलते हैं, सब लोग रेडी है। हम लोग अभी निकले हैं और यहाँ पे 46 डिग्री है टेम्परेचर। हम तो जाने वाले थे ताजमहल, लेकिन जाने से पहले मामा जी बोल रहे ना अभी तो धूप ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है, ताजमहल जाके मज़ा नहीं आएगा, बोले दूसरा कहीं जाते हैं, मतलब थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी तो जाएंगे ताजमहल। अभी इधर आगरा फोर्ट है और यहाँ पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे यहाँ से तो मतलब ज़बरदस्त दिख रहा है, बहुत बड़ा है ये, और अंदर से भी आपको दिखाते हैं अगर होता है तो, वीडियो मतलब वीडियो करना अलाउड है तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो यहाँ से हमें टिकट मिलेगी और यहाँ से एंट्री में कुछ ऐसा दिखता है, देखो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ पे ना आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है, यहाँ पे QR दे के रखे तो आप स्कैन करके वो टिकट बुक करवा सकते हैं अपने लिए, मतलब जितने भी एडल्ट है, और चिल्ड्रंस के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई भी टिकट भी नहीं चाहिए, और अलग से 10 रुपये आपको पे करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। तो 10 रुपये पे करने से क्या होगा, आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा गेट पे, तो आपको जाने देंगे। तो अभी हमारा हो गया, थोड़ा टाइम लग गया, अभी चलेंगे आगरा फोर्ट। यह है फोर्ट, जबरदस्त है, जबरदस्त फोर्ट है, अभी चलेंगे अंदर। तो सभी लोग चल रहे हैं इधर आगरा फोर्ट, गाइड है बहुत यहाँ पे, लेकिन हमने गाइड भी नहीं लिया, खुद ही देख लेंगे। तो अभी हम लोग अंदर आए हैं, टिकट अभी तक नहीं चेक हुआ है, लेकिन ये देखो। नहीं नहीं, ये दरवाजा है क्या? हाँ भाई भाई साहब, ये तो पूरा हमारा घर से मिट जाएगा इसमें, जबरदस्त है भाई। फोटो बाद में खींचना, टिकट भी चेक हो गई है। और ये है आगरा फोर्ट अंदर से, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ क्योंकि मैं ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहता, बहुत ही खूबसूरत है। ओ फोटो वगैरह खींचना है, खींच लो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें यहाँ से फिर से जाना है ना, निकलना है ना। हाँ बहुत बड़ा है ये भाई, लू है ये, सनग्लास पहनना पड़ेगा मुझे, मैंने सनग्लास लगा लिया, बहुत ज़्यादा गर्म हवा है यहाँ पे और सहा नहीं जा रहा, लेकिन बनाया बहुत खूबसूरत है।
अभी हम लोग अंदर आए हैं और अंदर कुछ ऐसा व्यू है, देखो। ये अगर मैं पूरा दिखाने लग जाऊँ ना, मुझे लगता है एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, इतना बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे कौन सा सेक्शन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बस आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि इतने सारे सेक्शंस है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा क्या है। यहाँ पे तो पूरा क्या स्ट्रक्चर बनाया है, देख जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। हाँ उधर से चलो, इधर धूप है, इधर से उधर से चलते हैं, इधर से आ जाना, यहाँ पे बगीचा है। तो हम तो घूम ही रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना बड़ा है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना बड़ा है आगरा फोर्ट, तो घूम के खत्म नहीं हो रहा है। बैठे रहो एक दो घंटे। हाँ टाइम लेके आना यहाँ पे, जब भी आना ना टाइम लेके आना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप घूम पाएंगे। यहाँ पे देखो एक मैजिक, यहाँ पे देखो बाहर से बंद है ना ये वेंटिलेटर बाहर से बंद है, हाँ ये इंक्लाइन करके दिया है। और अभी हम लोग अंदर अगर जाते हैं तो अंदर से देखो इधर ये खुला हुआ है, जबरदस्त। एक्चुअली इंक्लाइन करके दे दिया, बस ऐसा लग रहा है कि बाहर से बंद है, यहाँ से खुला है। और यहाँ से जो बेस्ट चीज़ है ना, बेस्ट वो है, यहाँ से आपको सीधा ताजमहल दिखेगा, ये देखो शानू यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। और अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं यहाँ से निकल के, ये है ताजमहल। तो यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अरे हमसे जितना हो पाया ना हमने घूमा, और मैं मुझसे जितना हो पाया मैंने आपको दिखाया घूम के। एक्चुअली हमारे पास अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, 7 बजे तक ताजमहल खुला रहता है, तो अभी अगर लेट हो जाएगा तो ताजमहल देख नहीं पाऊँगा, इसीलिए हमने सोचा कि अगर हो सके तो बाद में आएंगे आगरा फोर्ट देखने के लिए, लेकिन अभी हमारा प्रायोरिटी है ताजमहल, तो वो पहले देखेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिले तो फिर आगरा फोर्ट आ जाएंगे। तो अभी तो चलते हैं, तो आज के वीडियो को ही पेंड करते हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे डेली लाइव व्लॉग्स एंजॉय करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।